This conference will now be recorded.
अलैकुम जी, क्या हाल है? खैरियत से हैं? आ रही आवाज मेरी? ओके, गुड, ग्रेट। अच्छा, चलो इसको देख लें। क्या डिस्कस किया था जी लास्ट? आई गेस डेटा प्रोटेक्शन पे बात हुई थी ना, पर्सनल डेटा भी हो गया था डिस्कस ना, प्रिंसिपल्स पे बात भी हो गई थी। वी टॉक्ड अबाउट द प्रिंसिपल्स टू। यस, ओके। सो कंपटीशन है जी, कंपटीशन के ऊपर। ये वैसे आपने ऑलरेडी इकोनॉमिक्स का कोर्स लिया हुआ है ना पहले से, तो उसमें आपने काफी हद तक ये कॉन्सेप्ट जो डिस्कस किए होंगे, तो इनको एक दफा क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। इसमें कुछ एंटी कॉलूजन और कुछ मोनोपोलीज और प्राइस कंट्रोल के हैं जो चीजें, ठीक है? तो इसमें इतना वैसे कोई इशू तो नहीं है, बट स्टिल चले एक दफा इसको रिव्यू कर लेते हैं। दैट्स नॉट एन इशू एट ऑल। फेयर कंपटीशन की बात बड़ी कॉमन है ऑब्वियसली। यू हैव नोन के मार्केट्स में फेयर कंपटीशन पाया जाता है, और जब भी इदारे कम्पीट करते हैं फेयर कंपटीशन हमेशा रिक्वायर्ड होता है। तो फेयर कंपटीशन को इनकरेज करने के लिए आपको मोनोपोलीज को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, मोनोपोलीज को रोकना पड़ता है। मोनोपोलीज बेसिकली प्रिवेंट करती हैं बिजनेसेस को इफेक्टिवली कम्पीट करने से। मोनोपोली थ्योरेटिकली तो कहते हैं कि अगर एक इदारे के पास 100% कंट्रोल है मार्केट का, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर 30% से ऊपर मार्केट शेयर किसी एक इदारे के पास है तो ये उसकी मोनोपोली होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मार्केट में टोटल 100 कस्टमर्स हैं और 10 प्लेयर्स हैं, तो अगर एक प्लेयर के पास मोर देन 30 कस्टमर्स मौजूद हैं तो उसकी मोनोपोली होगी, ठीक है? दैट्स वेरी फेयर कॉन्सेप्ट। मोनोपोली जब पैदा होती है तो उसमें अनफेयर बिजनेसेस पैदा होते हैं, हायर प्राइसेस वगैरह। यू कैन लाइक मूव टुवर्ड्स सम एंटी कंपेटिटिव बिहेवियर, ये भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये भी देख लीजिएगा, ठीक है? और फिर जब ग्रो करते हैं आप, ठीक है, तो उसके पीछे फिर जो मोनोपोलीज हैं उसमें फिर गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन करती है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो है दैट इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू डिस्करेज अ मोनोपोली फ्रॉम अकरिंग, ठीक है? सो ये भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी जो गवर्नमेंट इंटरवीन जब करती है तो उसमें फिर आपकी जो मोनोपोलीज हैं वो डिस्करेज होती हैं। एंड व्हेन स्पेशली व्हेन देयर इज अ ह्यूज अ बिग मर्जर, जी, जब दो इदारे कन्वर्ज होते हैं या मर्ज होते हैं ना, तो उसकी वजह से मोनोपोलीज पैदा हो सकती हैं। सो व्हेन यू नो दैट मोनोपोली एग्जिस्ट और अकर, सो गवर्नमेंट जो है वो फिर इन्वेस्टिगेट कर सकती है। बट दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स ऑब्वियसली, ये चीज़ें आपने पहले भी रिव्यू की हुई है ना। अच्छा बेटा, इसके बाद फिर इसमें एक ये है एंटी कोलूजन। कोलूजन इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कोलूजन कहते हैं जब दो इदारे कोई सीक्रेट एग्रीमेंट कर लेते हैं, लाइक मेकिंग अ कार्टल। सो व्हेन टू एंटिटीज एग्री टू डू समथिंग दैट इज फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट एंड दैट माइट कॉस्ट द कंज्यूमर, तो इसे हम फिर नाम देते हैं कोलूजन का। कोलूजन कैन बी बेस्ड ऑन रेजिंग प्राइसेस सीक्रेटली, दैट कैन बी बेस्ड ऑन अवॉइडिंग डायरेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है? तो कोलूजन के अंदर भी बेसिकली बात कंट्रीज में दैट इज टेकन एज अ क्रिमिनल ऑफेंस, कि अगर इदारे कोल्यूड कर रहे हैं तो दैट कैन बी टेकन एज अ क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है? इसी तरह इदारे फिर क्या करते हैं, प्राइस कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ कंट्रीज के अंदर फिर गवर्नमेंट जो है वो प्राइस कंट्रोल करती है, कुछ कंट्रीज में गवर्नमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है प्राइस कंट्रोल करने के लिए। और प्राइस कंट्रोल करने के लिए पढ़ा था ना आपने इकोनॉमिक्स में, वो प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है? जैसे बहुत सारे जो इसेंशियल सर्विसेज हैं, लाइक जिन्हें हम यूटिलिटीज कहते हैं, यूटिलिटीज जो हैं इसमें प्राइस कंट्रोल्ड होती है। यूटिलिटी कंपनीज को गवर्नमेंट मॉनिटरिंग कर रही होती है दैट दे आर नॉट चार्जिंग ओवर प्राइस और दे आर नॉट यू नो स्पॉइलिंग द कंज्यूमर। तो बेसिकली कॉम्पिटिशन में तीन चीजें हैं, कंट्रोलिंग द मोनोपोली, एंटी कोलूजन रेगुलेशन एंड वी हैव प्राइस कंट्रोल। तो ये तीन चीजें हैं बेसिकली। आवाज आ रही है ना मेरी बेटा?
ओके जी, वो अब आवाज़ आ रही है, नेट का इशू था एक्चुअली थोड़ा सा। ओके, एंटी कोलूजन की मैं बेटा एग्जांपल आपको बता रहा था इसकी। जैसे ही आप शुगर मिल या जो ये आपकी होती हैं फ्लोर मिल्स जो होती हैं, इनकी जो प्राइस फिक्सिंग है वो गवर्नमेंट खुद करती है ना। या जैसे फॉर एग्जांपल वीट की प्राइस होती है वो गवर्नमेंट के, ताकि एंटी कोलूजन ना हो। एंटी कोलूजन जो होता है, दैट इज वेयर फर्म्स ट्राई टू सीक्रेटली रेज द प्राइसेस और दे ट्राई टू अवॉइड कॉम्पिटिशन, फिर गवर्नमेंट खुद टेक ओवर कर लेती है, स्पेशली उन इंडस्ट्रीज में जहाँ पे एंटी कोलूजन के चांसेस हाई होते हैं। सेम केस गोज फॉर प्राइस कंट्रोल, गवर्नमेंट इम्पोज करती है प्राइस कंट्रोल्स को। जैसे भी एग्जाम्पल दी, ये डिफरेंट जो यूटिलिटीज होती हैं, जैसे गैस है, पानी है, बिजली है, तो ये तो खैर हमारे मुल्क में तो ये सेंट्रलाइज है ना, कि गवर्नमेंट खुद रेगुलेट करती है गैस को, वाटर को और इलेक्ट्रिसिटी को। इंटरनेशनली ये डिफरेंट कंपनीज हैं जो रेगुलेट करती हैं, वो मुख्तलिफ टैरिफ्स देती हैं। और जैसे पाकिस्तान में भी अगर कोई प्राइवेट कंपनी आ रही है जो कि बिजली मुहैया करे आपको, तो उनके टैरिफ्स होंगे ना, वो डिफरेंट रेट्स पे आपको ऑफर करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। सो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम, ऑब्वियसली दैट कैन बी एन इशू। ठीक है, तो ये तीन एरियाज हैं, इसमें मोनोपोलीज आ जाती हैं, एंटी कोलूजन रेगुलेशन आ जाती हैं, और प्राइस कंट्रोल आ जाते हैं। जो पांचवा और आखिरी जो इसमें लीगल फैक्टर आप डिस्कस करते हैं, दैट इज कंज्यूमर राइट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। हाउ डू वी प्रोटेक्ट द कंज्यूमर फ्रॉम बीइंग मिसट्रीटेड और फ्रॉम बीइंग मिसगाइडेड। मतलब इसमें दो चीजें होती हैं, एक है कॉन्ट्रैक्ट लॉ और एक है सेल्स ऑफ गुड्स लेजिस्लेशन। ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ तो मेरे ख्याल आपने शायद वो किसी लॉ में भी आपने पढ़ा होगा ना, बी लॉ में शायद। कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है, ये दो पार्टीज के दरमियान आप ड्रॉ करते हैं, और दोनों पार्टीज जो हैं वो अपने अपने एंड पे ऑब्लाइज होती हैं अपना अपना पार्ट कैरी करने के लिए। और अगर पार्टी जो है, एक पार्टी अगर फेल हो जाती है कि वो अपना एंड कैरी ना कर पाए, तो उसे तो जो दूसरी पार्टी से इंजर्ड पार्टी कहा जाता है। तो जो इंजर्ड पार्टी होती है उसके पास ये लीगल राइट होता है कि वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाके उस पार्टी के खिलाफ एक्शन ले सकती है, ले सकती है। ठीक है ना, तो इंजर्ड पार्टी हैज दिस राइट दैट दे कैन टेक एनी एक्शन अगेंस्ट द अदर पार्टी इफ दे हैव ब्रीच्ड एनी एग्रीमेंट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। तो इस ये इम्पोर्टेंट क्यों है, तो इससे आप क्या करते हैं, इससे आप प्रोटेक्ट करते हैं कंज्यूमर को, बिकॉज यू हैव टू मेक श्योर दैट कंज्यूमर्स आर नॉट एक्सप्लॉइटेड और दे आर नॉट बीइंग वायलेटेड। तो आप कंज्यूमर को बेसिकली प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, और दोनों पार्टीज को अपने राइट्स ऑब्लिगेशंस का पता होता है, तो दे कैन वेरी फेयरली गेट इन टू द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, भी आगे जाकर डिस्कस करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में एक ऑफर होती है और एक्सेप्टेंस होती है, फिर एक इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, इसे बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट दो किस्म के होते हैं, एक होता है बाइंडिंग, एक होता है नॉन बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि इफ यू वांट टू एंटर द रिलेशनशिप, यू डेफिनेटली हैव टू साइन दैट कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज नोन एज बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को हम स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक एम्प्लॉय ने किसी फर्म को ज्वाइन करना है, तो वो जो ऑफर उसे कंपनी कर रही है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, कि उसमें वो अपनी मर्जी से कोई चेंज नहीं करवा सकता। यानी जो स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इनमें कंसिडरेशन की गुंजाइश नहीं होती। कंसिडरेशन कहते हैं कि दोनों पार्टीज जो हैं वो अपने अपने एंड पे कुछ ना कुछ निगोशिएट करने के काबिल हैं। एक पार्टी जो है वो दूसरी के साथ निगोशिएट करने के काबिल है, इसे कंसिडरेशन कहते हैं। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देयर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लाइक बोथ पार्टीज हैव फ्रीडम टू एंटर और टू लीव द कॉन्ट्रैक्ट। बोथ पार्टीज आर फ्री टू एंटर द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ लॉ, यानी लॉ इंटरवीन नहीं कर रहा, एंड दे आर फ्री टू डिसाइड द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देमसेल्फ। जैसे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इनको आपने एज इट इज एक्सेप्ट करना होता है। या फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस जो कॉन्ट्रैक्ट देती हैं किसी कस्टमर को या कंज्यूमर को, उन्होंने उसे एज इट इज एक्सेप्ट करना होता है, उसमें वो निगोशिएट करने की पोजीशन में नहीं होते। बट स्टिल कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, और कॉन्ट्रैक्ट कम से कम आपको ये इंश्योर कर देता है दैट हाउ आर यू गोइंग टू बी ट्रीटेड, ओपोनेंट या जो दूसरी पार्टी है वो कैसे ट्रीट करेगी आपको, और उस ट्रीटमेंट के अगेंस्ट अगर वो कोई चीज़ ऐसी है जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, तो फिर आप उसके अगेंस्ट आप लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स आर मोर यूज इन फॉर कंज्यूमर्स, टेक इट और लीव इट बेसिस के ऊपर, कि परचेज करना है तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं तो आपकी मर्जी है। उसमें आपको फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हासिल होती। एग्जैक्टली जैसे सॉफ्टवेयर एग्रीमेंट्स होते हैं, परफेक्ट एग्जाम्पल, जैसे सॉफ्टवेयर के एग्रीमेंट्स होते हैं।
ठीक है ना, दैट इज़ अ टेक इट और लीव इट कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने वो सॉफ्टवेयर लेना है या अगर आपने फॉर एग्जांपल वो यूज़ करना है, तो आप उसके जो एग्रीमेंट्स हैं आप वो एज इट इज़ आपको एक्सेप्ट करने होते हैं। एक और टाइप होती है सेल्स ऑफ गुड लेजिस्लेशन। जब आप कोई चीज़ परचेज करते हैं तो आपको रिसीट मिलती है ना, एक रिसीट मिलती है, वो रिसीट जो है वो सेल्स ऑफ गुड लेजिस्लेशन का टूल होता है। रिसीट इज अ टूल बेसिकली, ये एक स्पेसिफिक सेल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो परचेजर और सेलर के दरमियान ड्रॉ होता है। उस पर टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होती है, फॉर एग्जांपल टाइटल आपका नाम, बायर कौन है, उसका उसकी एंटाइटलमेंट क्या है, क्या चीज़ बेची है, डिस्क्रिप्शन क्या है, डिटेल ऑफ द गुड्स, किस क्वालिटी में बेची है, ऑल द सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन बाय द वॉशिंग मशीन दैट डज नॉट वर्क, द सेलर मस्ट रिपेयर, रिप्लेस इट और पे अ रिफंड टू कस्टमर। ये तमाम चीज़ें मैंशनड होती हैं। ठीक है, इसे कहते हैं सेल्स ऑफ गुड्स लेजिस्लेशन। यानी नॉर्मली जब आप किसी कंज्यूमर को कोई चीज़ बेच रहे होते हैं तो आप रिसीट साथ देते हैं ना, उस रिसीट पे ये सारी डिटेल आ जाती है। कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। यू नीड दीज थिंग्स। नहीं बेटा, बस इसमें एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होती फ्रीडम बेटा, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में फ्रीडम नहीं होती। मतलब आपको ये एक्सेप्ट करना है या आपको एक्सेप्ट नहीं करना। हाँ, फ्रीडम टू एक्सेप्ट और नॉट एक्सेप्ट होती है, फ्रीडम टू निगोशिएट निगोशिएट नहीं होती। देखो, एक तो फ्रीडम ये होती है ना कि आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, एक तो फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इस लेवल पर डिफाइन होती है। दूसरी फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इस लेवल पर डिफाइन होती है कि उसमें आपको निगोशिएशन अलाउड है या नहीं अलाउड है, एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। यहाँ तक तो फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, लेकिन उसमें आप निगोशिएट नहीं कर सकते। देखना, द कंज्यूमर डज नॉट हैव एन अपॉर्चुनिटी टू निगोशिएट द टर्म्स। ठीक है, ओके। पोलिटिकल लीगल फैक्टर्स के अंदर यहाँ पे हम इसे कंक्लूड करते हैं। लाइक जब लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जब सिग्निफिकेंटली अफेक्ट होती हैं किसी भी पोलिटिकल या लीगल फैक्टर से, तो दे हैव टू एक्चुअली सी कि ऐसा क्या चेंज आया था जिसकी वजह से उनको चेंज होना पड़ गया। ठीक, और उनको बड़ा प्रिसाइजली फिर साथ साथ मॉनिटरिंग करनी होती है पॉलिटिकल चेंजेस की। उनको साथ साथ मॉनिटरिंग करनी होती है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो पहले इंपॉर्टेंट नहीं थे अब इंपॉर्टेंट हो गए, या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो पहले अनइम्पॉर्टेंट थे अब इम्पॉर्टेंट हो गए, या पहले अनइम्पॉर्टेंट थे और अब इम्पॉर्टेंट हो गए, या पहले अनइम्पॉर्टेंट नहीं थे अब जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। मतलब दिस इज हाउ इट वर्क। समथिंग विच वॉज अनइम्पॉर्टेंट अर्लियर इज नाउ इम्पॉर्टेंट, एंड समथिंग विच वॉज इम्पॉर्टेंट अर्लियर हैज नाउ बिकम अनइम्पॉर्टेंट। तो ये डिफरेंट चीज़ें इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये फिर एक लॉबी ग्रुप के ऊपर भी इसमें एक है छोटा सा पॉइंट। ये बेसिकली पॉलिटिकली एफिलिएटेड ग्रुप्स होते हैं, इन्हें आप लॉबी ग्रुप्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी कॉरपोरेशन ने या किसी भी इदारे ने अगर अपनी कोई डिमांड, स्पेसिफिक डिमांड अगर गवर्नमेंट तक पहुंचानी है इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म से, ऑब्वियसली सो दे कैन मेक यूज ऑफ लॉबी ग्रुप्स। लॉबी ग्रुप को हम स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप भी कहते हैं। दे बेसिकली रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ अ कंपनी और अ कॉरपोरेशन एट द गवर्नमेंट लेवल। सो दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी बेसिक थिंग टू अंडरस्टैंड। जैसे इधर पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन, पीपीए के नाम से एक इदारा है। अब ये इदारा एक लॉबी ग्रुप है, मतलब इसमें बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस के स्टेक्स भी हैं। तो वो फिर क्या करते हैं, अगर उन्होंने फॉर एग्जांपल कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट तक अपनी कोई डिमांड पहुंचानी है तो वो उस लॉबी ग्रुप को यूज़ करते हैं। इसी तरह एक और लॉबी ग्रुप है एप्टमा, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन। अब इसका भी यही काम है कि इसमें जितने भी टेक्सटाइल ओनर्स हैं पाकिस्तान में, उन्होंने इनके जो स्टेक्स या जो इंटरेस्ट हैं वो इन्होंने आगे ऊपर तक पहुँचाने होते हैं। तो इसका पर्पज़ जो है वो बेसिकली स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, और दे आर एंड देर माइट बी सम स्पेशलिस्ट फर्म्स, इनके लिए फिर स्पेशलिस्ट फर्म्स भी हो सकती हैं। हाँ नहीं बेटा, देखो इसमें वन इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जो यूनियंस जो है ना वो तो एक इदारे के लिए होती हैं। हाँ, आप कह रहे हैं कि काम सेम है लेकिन स्कोप नैरो है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ट्रेड यूनियन है वो एम्प्लॉयज के कंसर्न्स को टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचा रही है। अब हम एक इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। हाँ, ये भी एक अच्छी एग्जांपल है, जो रीप वाली एग्जांपल। अब हम एक इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म पे आके एक इंडस्ट्री में काम करने वाले जितने भी इदारे हैं
उन सब की जो कलेक्टिव कंसर्न्स हैं उनको आप एक लॉबी ग्रुप के थ्रू गवर्नमेंट तक पहुंचा। हाँ एग्जैक्टली, एनालॉजी अच्छी है। यस यू कैन से इट्स अ गुड एनालॉजी, एनालॉजी के तौर पे, समझने के तौर पे ये अच्छी एनालॉजी है कि ट्रेड यूनियन भी वैसे ही काम करती है जैसे लॉबी ग्रुप्स काम करते हैं, बट लॉबी ग्रुप्स आर मोर डायनामिक, ये ज़्यादा डायनामिक होते हैं। इसके अंदर चूंकि सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है डिसीजन मेकिंग की, ट्रेड यूनियंस के अंदर तो सिर्फ डिसीजन जो है दैट इज कंसर्न विद द सीनियर मैनेजमेंट ना, लेकिन जो लॉबी ग्रुप्स होते हैं दे आर मोर डायनामिक। यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली, दिस इज वही मैंने कहा ना कि एनालॉजी अच्छी है कि आपने उसी के स्कोप को ब्रॉड कर दिया। ये इसमें कुछ चीजें हैं, आप इसको देख लो। तो ये लीगल जो है यहाँ पे दैट्स ओवर। मैक्रो माइक्रो ये चीजें भी वैसे मेरा ख्याल है आप लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले, चलें इसको भी एक दफा देख लो। चलो चेंज आएगा इकोनॉमी के अंदर, जी, चेंज आएगा इकोनॉमी के अंदर तो उसका इम्पैक्ट फिर सोसाइटीज पे भी होगा और इंडिविजुअल्स पे भी होगा। दैट्स वेरी बेसिक फिनोमेना, ठीक, बिकॉज ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशंस आर एक्चुअली वर्किंग फॉर अगेंस्ट लिमिटेड रिसोर्सेज। तो जब भी स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की बात आती है तो इकोनॉमिक्स आ जाती है बीच में, सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स एंड वांट्स इंपॉर्टेंट हो जाती है व्हेन यू हैव टू मीट देम अंडर द स्कार्स रिसोर्सेज, ठीक है। मैक्रो एंड माइक्रो दो इसमें स्कूल्स ऑफ थॉट्स आ जाते हैं, दो इसमें होराइजन आ जाते हैं। मैक्रो टॉक्स अबाउट द एग्रीगेट लेवल, माइक्रो टॉक्स अबाउट द फर्म लेवल, ये चीज़ ऑलरेडी आपको पता है। दिस इज द होल लेवल, ठीक है, जहाँ पे द इम्पॉर्टेंट थिंग इज द ओवरऑल कंट्री, जिसे हम एग्रीगेट भी कहते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज एग्रीगेट। इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल इसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसर्न एम्प्लॉयमेंट के होते हैं, लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के होते हैं, ग्रोथ, इकोनॉमिक वेल्थ, ये तमाम चीज़ें उसमें आ रहे थे। माइक्रो का जो स्कोप है दैट इज प्राइमरली ऑन ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल फर्म्स पे होता है, एंड हाउ द डिसीजंस रिगार्डिंग प्राइसेस कॉस्ट आर ड्रिवन, ये ज़्यादा इसमें डोमिनेंट है, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी बिकॉज यू हैव एम्पल नॉलेज ऑफ दीज थिंग्स, तो इस पे हम इतना कुछ डेलिब्रेट नहीं करते, बट स्टिल चलें जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इकोनॉमिक पॉलिसी का इसमें फिर एक बात आ जाती है आगे, गवर्नमेंट का रोल होता है मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी को बनाना जी, और वो उसमें अल्टीमेट टारगेट्स क्या होते हैं, टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट, टू स्टेबलाइज द प्राइसेस, सस्टेनेबल बैलेंस, मतलब ये तीन मेन टारगेट्स होते हैं। इनफैक्ट किसी भी इकोनॉमिक पॉलिसी के यही तीन टारगेट्स होते हैं, कंट्री में एम्प्लॉयमेंट लेवल को कैसे रेज करना है, प्राइसेस कैसे स्टेबलाइज करनी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को कैसे हैंडल करना है या बैलेंस आउट करना है, मीन्स एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करनी है, इम्पोर्ट्स कम करनी है, इसे और ये तमाम चीज़ें कहाँ से आती हैं, फिर डेफिनेटली आपकी जो गवर्नमेंट है वो इसमें इनपुट करती है, जो आपके डिसीजन मेकर्स हैं मेन, वो इस पॉलिसी, इन तमाम पॉलिसीज को डिवाइस करते हैं, इसको स्टेबलाइज करते हैं। यू ऑलरेडी हैव गॉन थ्रू दिस, हाउ टू मेजर द एक्टिविटी इन द नेशनल इकोनॉमी, ये चीज़ें आई होप आई एम नॉट गोइंग टू टेल दिस अगेन। जी एन पी, जी डी पी, अंडरस्टैंडिंग है ना इनकी आपको, यू नो दीज थिंग। चलें देख लो फिर भी एक दफ़ा, इसमें ऐसे कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, लेट्स क्विकली गो थ्रू इट। तीन अप्रोचेस के थ्रू मेजर की जा सकती है एक्टिविटी इन द इकोनॉमी, एक्सपेंडिचर, इनकम एंड आउटपुट। दिस इज बीइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, क्योंकि इसमें सब कुछ कवर हो जाता है, इसमें कंजम्पशन भी आ जाती है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी आ जाती है, इसके अंदर आपके वो ट्रेड भी आ जाती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसे ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। तो ये इसका
बहुत सारी चीजों को कवर कर देती है। दिस इज क्वाइट नैरो अप्रोच, ये नैरो है। लाइक यू ट्राई टू कैलकुलेट द टोटल इनकम व्हिच हैज बीन अर्नड बाय एवरीवन ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड, ठीक है ना। तो ये एक इसके अंदर थोड़ा सा नैरो फिनोमेन। इसी तरह ये सिर्फ इसमें जो है वो डिस्कशन आउटपुट्स की होती है, इसमें आप सिर्फ आउटपुट्स को मेजर करते हैं। तो बेसिकली ये जो अप्रोच है एक्सपेंडिचर वन, इट कवर्स एवरीथिंग, ये सब कुछ कवर कर लेती है। इसमें माइन मतलब जितनी भी आउटपुट है और जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर दिस अप्रोच। तो दैट इज द मोस्ट प्रिसाइज वन। दिस इज हाउ यू प्रेजेंट इट, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड योर बैलेंस ऑफ पेमेंट, एंड कलेक्टिवली इट गिव्स यू योर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये चीज़ें ऑलरेडी आपके इलम में हैं, और अल्टीमेटली इस चीज़ को बढ़ाना होता है इसे। लेकिन इसमें देखें आप, ट्रेड ऑफ है, एक चीज़ इंक्रीज करेंगे एक चीज़ कम हो जाएगी। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेड ऑफ, मतलब इट्स नॉट अ वेरी सिंपल इक्वेजन एज इट सीम्स टू बी। ये इतनी को आसान इक्वेजन नहीं है, क्योंकि इसमें ट्रेड ऑफ्स एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज द कंजम्पशन लेट्स से, तो उधर आपका फिर ये नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट आ जाएगा, इम्पोर्ट्स बढ़ जाएंगी। अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग को आप बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ से फिर आपकी कंजम्पशन गिर जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स चार्ज करेगी। तो ये जो ट्रेड ऑफ होता है ना, इसको इम्पोर्टेंट समझना। मतलब एट दिस पॉइंट इन टाइम यू आर नॉट सपोज टू कम अप विद दीज इक्वेशंस एंड दीज टेक्निकल नॉलेज। इस लेवल पे आपसे ये एक्सपेक्टेड है कि आप इंटीग्रेट कैसे करते हैं चीज़ों को, एंड हाउ डू यू कंसोलिडेट, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। ये आई वुड सजेस्ट के 2 मिनट लगाएं एंड जस्ट रीड दीज 3 पैराग्राफ्स, ये थोड़ा गो थ्रू कर लें, ठीक है। फिर हम इसके ऊपर थोड़ी सी ब्रीफिंग कर लेते हैं। बेटा इसमें अभी तक आया तो नहीं है, नॉट अपेयर सो फार। इन केस इफ इट डज अपियर, तो दैट वुड बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो इसके ना मैं कुछ आपको ना इसकी एग्जांपल भेज दूंगा, ठीक है, आई विल ईमेल यू। ये जरा एक दफा देख लें इसको, 1, 2 एंड 3, इसको जरा देख लें एक दफा। इसमें वही बात है जब भी मैंने आपको बताई है कि इम्पोर्टेंट है एग्रीगेट डिमांड एडी, बट दीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द इक्वेशन एंड दे आर नॉट एज सिंपल एज दे लुक। इतने आसान नहीं, क्योंकि अगर आप किसी एक में भी इंक्रीज करते हैं तो इसका काउंटर इफेक्ट किसी दूसरे पे लाजमी आएगा। जैसे ये पढ़ें, गवर्नमेंट स्पेंडिंग आप बढ़ाते हैं तो टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे, टैक्स बढ़ाएंगे तो कंजम्पशन कम हो जाएगी। इधर आप कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो माइट बी पॉसिबल कि आपको अपने इम्पोर्ट्स इंक्रीज करनी पड़े, इम्पोर्ट इंक्रीज करेंगे तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव हो जाएगा। सो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज इन विच वी आर कॉट अप। और इनको टेक्निकली हैंडल करने के लिए फिर आपको इकोनॉमिस्ट चाहिए होते हैं, जो इन तमाम वेरिएबल्स के बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करें और उसके अकॉर्डिंगली फिर वो डिसीजन मेकिंग करें। तो यू नीड पीपल हु आर एक्सपर्ट ऑफ दीज वेरिएबल्स, दैट्स वाई वी हायर इकोनॉमिस्ट, ठीक है ना। इसलिए फिर आप इकोनॉमिस्ट को हायर भी करते हैं, अदरवाइज तो फिर एवरीबडी कैन बी एन इकोनॉमिस्ट, एवरीबडी कैन मेक दिस थिंग राइज, ठीक है। तो ये है इसके अंदर। ओके, इन्फ्लेशन पे बात करने से पहले आई वुड बी इंटरेस्टेड इन कि आप ये देख लें, आई होप यू हैव गॉन थ्रू दिस टॉपिक एज वेल अर्लियर। वो 4 फेजेस पढ़ी है ना आपने,
देर इज रिकवरी, देर इज ग्रोथ एंड देर बूम एंड देन वी हैव डिक्लाइन, ठीक है, चार फेजेस से गुजरती है आपकी साइकिल। तो इसको फिर हम करते हैं डिस्कस, बट बिफोर दैट ओके एक काम है, लेट मी जस्ट शो यू अ फाइल। Just a moment. ये जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया था ना, नेचर ऑफ क्वेश्चंस का, आई वाज जस्ट ब्रिंगिंग इट डाउन। ओके लाइक दिस वन ये हमने पहले डिस्कस किया था, इसी तरह दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डेटा सिक्योरिटी इस तरह है ना, कोई मतलब 2-3 मार्क्स आप एक्सपेक्ट करें इसमें से, और इसमें से कोई ऐसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और वो बहुत बहुत डोमिनेटिंग एरियाज नहीं कवर होते, ठीक है। खैर मैं ये फाइल आपको भेज दूंगा, इस तरह की और भी हैं 2-4 फाइल, आई विल बी सेंडिंग देम टू यू। दीज आर सम मोर डिटेल्ड हाँ ये कुछ ज़्यादा डिटेल्ड है, ये मैं आपको फॉरवर्ड करा दूंगा, ठीक है। ओके तो ये एम्स देख लिए, इस पे हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस कर लेंगे, डेलिब्रेट कर लेंगे। वी टॉक्ड अबाउट द साइकिल, रिसेशन, ग्रोथ, डिक्लाइन, डिफरेंट फेजेस होती हैं। जी जी डेफिनेटली आई विल जी भेज दूंगा, एंड इट कैन बी स्पैन ओवर सेवरल ईयर्स, यू सी, और इट डिपेंड्स दैट इन विच फेज यू आर एक्चुअली एंटरिंग, तो वो डिटरमिन करता है कि आपका जीडीपी बढ़ेगा या कम होगा। तो गवर्नमेंट जो है इसमें फिर अपना रोल प्ले करती है, दैट दे ट्राई टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ, बट इफ रिसेशन हैज बिकम अनअवॉइडेबल, तो फिर पॉलिसी आपकी जो है वो ये होती है कि रिसेशन से आने वाले नुकसान को मिनिमाइज किया जाए, यू हैव टू रिड्यूस द लॉस एज फार एज पॉसिबल। नुकसान तो होना ही है, बट यू हैव टू रिड्यूस इट, यू हैव टू मिनिमाइज इट, ठीक है। ये भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, तो इसके बाद फिर ये इन्फ्लेशन पर डिबेट आ जाएगी थोड़ी सी, बिल्कुल हाँ जी, इन्फ्लेशन और उसका फिर इम्पैक्ट ग्रोथ के ऊपर, ये है एक्सपेक्टेशंस इसमें से क्या होती हैं।
इस पे फिर फर्दर जो है वो डेलीब्रेट कर लेंगे, ठीक है? ओके यार, मैं हमजा से कहता हूँ, वो आपको ना बताता है। मैं कहता हूँ हमजा से, आई टॉक टू हमजा टुडे एंड आई लेट यू नो। मैं ये आपको ना कल तक बताता हूँ, ठीक है? चलें फिर, ओके ठीक है फिर, इंशाल्लाह सी यू अगेन, अल्लाह हाफिज़।